और तुम्हें होश आ गया सर। माँ को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तुमने अपनी जान दांव पे लगाकर उनकी जान को बचाया सर। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आता हूं। अमोली, तुमको अंशुमन बाबू चाहिए ना, और नंदन बाबू आपको सुमन चाहिए, तो दोनों मिलके कोई और रास्ता ढूंढिए। ये माथा फोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये बात इस जंगले को समझाओ ना, उसकी तो पल्ले ही नहीं पड़ रही है। और ये बात किसी अच्छी तरह से समझा दो, अगर सुमन के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की ना, ये अभी मुझे जानती नहीं आज। दोनों हंसों का जोड़ा है, एक को नुकसान पहुंचाओ तो दूसरे की जान आफत में पड़ जाती है। एक डोर से बंधी हुई है दोनों की सांस, देख लो कमरे में वापस आ गई है। कुछ दिन बाद अंशुमन बाबू की जिंदगी में भी वापस आ जाएगी। तुम ऐसे खड़े देखती रहना, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अपने रास्ते से हटाने के लिए अमूली इस हद तक गिर जाएगी, ऐसा हमने नहीं सोचा था। अगर हम सही समय पर आकर सुरभि माँ को आवाज नहीं देते तो नहीं, अमोली ने ठीक नहीं किया। हमारे जीते जी अमोली हमारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब अमोली का खेल कर आज अमोली को हमें जवाब देना ही पड़ेगा। तुम का ये फोन लगा रही हो मैं? याद नहीं नंदन बाबू ने क्या कहा था? अरे वो अकल की अंधी। वहीं रुको, आ रहे हैं हम। क्या हुआ, वापस कहीं आ गई तुम? हाँ, नंदन ने पैसे दिए थे ना तुम्हें? पैसे तो दिए थे, लेकिन मुझे और पैसे चाहिए। अच्छा, क्यों दें हम तुम्हें और पैसे? क्योंकि अगर तुमने मुझे और पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हारा राज सबको बता दूंगी कि ना ही तुम प्रेग्नेंट थी और ना ही तुम्हारा कोई बच्चा था। ज्यादा बकवास किया है ना, तो यही तुम्हारा राम नाम सत्य कर देंगे, समझी? चलो निकलो यार। तुमको जितना पैसा चाहिए ना तुम्हें मिल जाएगा, कल हमें बाहर मिलो। चलो निकलो। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। सही कहते हैं लो, सच ज्यादा दिन छुप नहीं पाता। अब हमें हर हाल में इस लड़की को पकड़ना होगा, ताकि हम अंशुमन जी और पूरे परिवार के सामने इस अमूली का सच साबित कर सके। हमें इस लड़के को पकड़ना ही होगा। रुकिए, हमने कहा रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अमोली का असली चेहरा सामने लाने के लिए उस नकली डॉक्टर तक कैसे भी पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? आज तो वो हाथ से निकल गई।
सुमन कहाँ चली गई थी तुम? अभी बिना सबूत के अंशुमन जी को कुछ भी बताना अमूली पर इल्जाम लगाने जैसा होगा। वो हम वॉशरूम गए थे। अच्छा चलो यहाँ बैठो। ये दूध पी लो। प्यार तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे सुमन, सुमन, शिखर, नाना जी, शिखर तुम ये अचानक, और तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रहे हो। वो सब बाद में, पहले ये बताओ सुमन कहाँ है? शिखर वो एक्चुअली सुमन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वो ऊपर कमरे में आराम कर रही है। एक्सीडेंट कैसे? सुमन, सुमन, अंशुमन जी भाई, अगर भाई को इस सब के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भाई तो पूरे घर को अपने सर पर उठा लेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि साले साहब पूरा घर सर पर उठा ले सुमन, ताकि तुम्हारे और पिप्पी के बीच वो अनर्थ हो जाए। तभी तो तुम्हारे भाई को बुलाया है। इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं जानना, तुम्हें भी बस सुमन की फिक्र है। अरे शिखर बेटा, जीते रहो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नंदी चुप क्यों? सुमन तकलीफ में और तुमने मुझे एक बार भी खबर नहीं दी। बेटा शिखर ऐसी बात नहीं है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। हाँ बेटा, सुमन को हमने हमेशा अपनी बेटी जैसा माना है और वो यहाँ ऐसी ही रहती है जैसे आती है। नंदिनी कभी कोई भेद नहीं किया। मैंने आप सबके भरोसे सुमन को सौंपा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ इस घर में किसी को पड़ी ही नहीं है। ऐसी बात नहीं बेटा। शिखर बेटा शांत हो जाओ, इस घर में सभी सुमन से बहुत प्यार करते हैं। नहीं नाना जी, मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। माफी चाहते हैं, लेकिन वाकई में अगर आपने सुमन को अपनाया होता ना, उस पर भरोसा किया होता, तो एक के बाद एक उसके साथ कभी हादसे नहीं होते। तो हमारे साथ हो रहा है, लेकिन आज हम हर गलत को सही कर देंगे। अंशुमन जी, अंशुमन जी यहाँ आइए नीचे। कौन है ये लड़की? अंशुमन जी। ये मोली ऐसे क्यों हंस दे रही? सुमन तुम आराम करो, मैं जाकर देखता हूँ। जी आराम करो। क्या बात है अमूली, तुम ऐसे क्यों आवाज दे रही हो? तो हम और क्या करें अंशुमन जी, हमें यहाँ नहीं रहना। इस घर में हमारी कोई परवाह ही नहीं करता। आप भी नहीं करते अंशुमन जी। ये तुम क्या कह रही हो अमूली? तुम जानती हो ना सुमन के साथ क्या हुआ? अंशुमन जी क्या है ये सब? कौन है ये लड़की? और ये अंशुमन बाबू के बच्चे की मां बनने वाली है। क्या बोल रही हूँ मामी, इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। आप यही थी ना? हमारे पास नंबर कहाँ था?
मेरा हाथ छोड़ो मौली, मुझे सुमन के पास जाना। नहीं अंशुमन जी, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें और इस बच्चे को अपना नाम देंगे। आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। इन सब बातों के लिए समय सही नहीं है मौली, सुमन को मेरी जरूरत है। सुमन सुमन सुमन, इस घर में जिसे देखो बस सुमन के नाम की माला जप रहा है। अरे वो झूठ बोल रही है सुमन बाबू, वो चाल चल रही है आपको हमसे अलग करने की। कभी पूजा के बहाने, कभी वो बिजली का झटका के बहाने, खेल खेल रही है। यही चाहती है ना कि हम खत्म हो जाए, तो ठीक है। तो आज हम खुद को खत्म कर लेते हैं। अमोली, पागल हो गई हो तुम, ये क्या नाटक लगा रखा है तुमने? अंशुमन जी ना हमें जीने देते ना मरने देते। अंशुमन जी परेशान हो रहे हैं, हमें उनके पास जाना ही होगा। अमोले तुम गलत समझ रही हो, सुमन ने अपनी जान की परवाह ना करके हमारी जान बचाई। वो करंट उसे हमारी वजह से लगा। बेटा अमोले, सुरभि जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सुमन ने जो किया उसके लिए हम उसका जितना भी धन्यवाद कहें कम है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेटा वो अपना बहू होने का कर्तव्य बखूबी निभा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। ए भगवान, हमारी तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं सुनता है। क्या करें हम, क्या करें? अमोली ये क्या तमाशा है? तमाशा? आपको हमारी बात तमाशा लग रही है अंजुमन जी? बिजली के झटके के बहाने वो आपकी कमरे में पड़ी क्या कर रही है? तमाशा तो उसने हमारी जिंदगी का बना दिया है अंजुमन जी। मरने का बहाना करके वो आपसे हमको दूर कर दिए। नहीं, हम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते। हमने अंशुमन जी को निर्दोष साबित करने का वादा किया है। हे कान्हा जी, हमें शक्ति दीजिए। आज हमें आपके शक्ति की बहुत जरूरत है। श्री कृष्णा, रिपोर्ट्स। अब उन रिपोर्ट्स के जरिए हम अमोली की सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। होंगे सोनोग्राफी रिपोर्ट्स कहाँ रखी है? अंशुमन बाबू, समझ में नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे? इनसे क्या पूछ रहे हैं महन जी, हमसे पूछिए। आप सुमन दीदी के नाना जी है ना, तो संभालिए उन्हें, लेके जाइए उन्हें यहाँ से। उन्होंने हमारी जिंदगी नरक कर दी है, नरक। बस अमोले, अमोली का सामान। माफ कीजिएगा कान्हा जी, मिल गया रिपोर्ट। टेंडर वुमेन्स हॉस्पिटल, डॉक्टर आभा सिन्हा।
हमें हर हाल में इन डॉक्टर के पास जाना होगा ताकि हम अमोली की साजिश का सच पता लगा सके। मैं सुमन के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनूंगा। इस वक्त सुमन को मेरी जरूरत है और मुझे उसका ख्याल रखने से कोई नहीं रोक सकता। देख लीजिए शिखर चेचू, ये हाल हो रहा है आपकी बहन सुमन का इस घर में। किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। वो कहते हैं ना, कानों सुनी से ज्यादा आंखों देखी पर विश्वास होता है। तो देख लीजिए क्या हो रहा है और सोचिए क्या करना है आपको। इस हालत में बेचारी सुमन के साथ कोई नहीं है, आप ही बताइए। आनंदन बोलो। जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। इस मोहरे को मैंने सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी इस घर में घट रहा है वो सब कुछ वो सुमन के भाई हैं। अब आएगा खेल में असली मसा। अंशुमन जी, आपको हमारे होने वाले बच्चे की, इस घर के वारिस की कसम। बताइए क्या है आपका फैसला? जो वचन मैंने दिया है मैं उसे पूरा करूंगा। बउआ, अच्छा है कि तुम इंसानियत नहीं भूले। अब अपना फर्ज भी तो मत भूलो। और तुम्हारा फर्ज ये कहता है कि तुम अभी अमोली के पास रहो, ना कि उस औखट की पुड़िया के पास। बुझे है? माफ कीजिएगा बड़ी मां, सुमन के साथ साथ फेरे मैंने लिए और सुमन कानूनी रूप से मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को इस हालात में अकेला नहीं छोड़ सकता। अंशुमन जी, हम जानते हैं आपने किस मजबूरी में आकर अमोली का साथ देने का वादा किया है। आपने भी परिवार के मान मर्यादा के लिए खुद को इस दलदल में ढकेल दिया, लेकिन आपकी सुमन आपसे वादा करती है कि वो आपको इस दलदल से जरूर निकालेगी। अब हम अमोली के खिलाफ कोई सबूत लेकर ही इस घर में लौटेंगे। मुझे उसके पास जाना ही होगा। अरे पर अंशुमन बिल्कुल सही कह रहा है दीदी, आप शायद भूल रही हैं। बात आपको सुनने में बुरी लगेगी, जब आरती की सगाई टूटी थी तो सुमन ने ही पूरे समाज के सामने हमारी इज्जत बचाई थी, और जब नंदिनी के साथ गलत हुआ था तब समाज के सामने हमारी इज्जत तार तार होने से भी सुमन ने ही बचाई थी, और आज अपनी जान की परवाह किए बिना उसने हमारी जान बचाई। इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभाया है दीदी। तो अंशुमन सही कह रहा है, जिसके साथ साथ फेरे लिए हैं उसी का साथ देना होगा इसे।
ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ से वो डॉक्टर आई थी। हमें उनसे मिलकर बात कर लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। यस। हमें डॉक्टर आभा सेना से मिलना था। ये यहाँ से फर्स्ट कैबिन उनका ही है। ओके थैंक यू। ये तो वो डॉक्टर नहीं है जो हमारे घर आई थी। डॉक्टर क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए। डॉक्टर हमें डॉक्टर आभा सिन्हा से मिलना था। जी कहिए, मैं ही हूँ डॉक्टर आभा। मैम ये आपकी फाइल।